भाई इंडियन आइडल 13 से चिराग का एलिमिनेशन बिल्कुल गलत ये डिसीजन है भाई। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेहद ही शॉकिंग टॉपिक को लेकर, इंडियन आइडल 13 के दूसरे एलिमिनेशन को लेकर, जिसमें चिराग क्या है सच्चाई इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब, मेरा नाम है एरी डार्किन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आइडल 13 के दूसरे एलिमिनेशन के बारे में। यार ये शो क्या है, इंडियन आइडल 13 अभी कुछ ही हफ्ते हो रहा है स्टार्ट हुए, पहला एलिमिनेशन हो गया, दूसरे एलिमिनेशन में चिराग का नाम आया है। और आए भी क्यों ना भाई, इनको बॉटम में डाल दी हैं इंडियन आइडल 13 के मेकर्स। बताओ ये सही हो रहा है? मतलब जो कंटेस्टेंट, मतलब चिराग और काव्या कपल के रूप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, जो कंटेस्टेंट को जनता भी सपोर्ट कर रही थी, उस कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन, क्या ये सही है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा था, क्या चिराग का एलिमिनेशन होने वाला है, क्योंकि वो डेंजर जोन में है, बॉटम में कंटेस्टेंट है। तो हम आप सबको बता दें कि भाई कुछ भी हो सकता है, इंडियन आइडल 13 के मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि चिराग वो है एलिमिनेशन के नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो बॉटम में है, बॉटम में है। अगर आप सबकी वोटिंग अच्छी नहीं मिली तो अगले हफ्ते या फिर उसके बाद वो चिराग को एलिमिनेट कर देंगे ये लोग, यही है सच्चाई भाई। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चिराग का एलिमिनेशन होता है, तो ये सही है कि गलत है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तो लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।